हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैमसिक की आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आप लोगों ने अजनाला क्रूसेड को अटेंड किया होगा और ये अजनाला क्रूसेड की वीडियो और आपने अभी स्क्रीन पर देखा, जब क्रूसेड का आमीन हुआ तो हमारे स्पिरिचुअल फादर जी वापस जाते हुए आप देख सकते हैं गाड़ियों में सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो वापस खामड़ा में जा रहे हैं। और आपने उस क्रूसेड में देखा कि परमेश्वर की कैसी बारीक ग्रेस थी, कैसे परमेश्वर का सुसमाचार सारी और फैलाया गया। अजनाला क्रूसेड आज तक का बिगेस्ट क्रूसेड रहा और वहाँ पर परमेश्वर की बहुत ज़्यादा महिमा हुई। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो क्रूसेड वगैरह होते हैं, जो मीटिंग होती है, ये परमेश्वर का एक सुसमाचार का ज़रिया होता है। क्योंकि जब यहाँ पर लोग आते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के बारे में नहीं जाना होता, जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता होता, वो इस क्रूसेड को अटेंड करके, इन मीटिंग को अटेंड करकर, चाहे वो किसी भी तरीके से इस मीटिंग पर आए हों, चाहे वो किसी फंक्शन को समझकर इस मीटिंग में आए हों, पर फिर भी उनके तक परमेश्वर का सुसमाचार पर पहुँचता है। परमेश्वर का एक बड़ा प्रचार, परमेश्वर के वचन उनके तक पहुँचते हैं और वो परमेश्वर को अपनाते हैं और वो जानते हैं कि एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमारा जिंदा खुदा है। और आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, इन गाड़ियों में हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नूरा जी और हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया नूरा जी वापस क्रूसेड के बाद वापस जाते हुए आप देख सकते हैं। हालेलुया। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्रूसेड में और परमेश्वर का सबसे बड़ा सुसमाचार फैला। और मेरा विश्वास है कि कई लोग इस क्रूसेड के दौरान, इस मीटिंग के दौरान, इस सुसमाचार के दौरान बदले होंगे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया होगा और यीशु मसीह को उन्होंने अपनाया होगा। और उन लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ा होगा जो लोग कहते हैं कि मसीही लोग जो पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसे लेकर टेस्टमनी खरीदते हैं। और उन लोगों ने भी देख लिया होगा कि हम लोग कोई भी पैसे देकर, ऐसा क्रिश्चियन लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को कोई भी पैसे नहीं दे सकता। हालेलुया। और आप सब भी परमेश्वर के सुसमाचार में आगे रहें और परमेश्वर की मीटिंग्स वगैरह कराएं कि उनके द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार की बढ़ोतरी हो, क्योंकि हमारा फर्ज है परमेश्वर का सुसमाचार आगे लेकर जाना, क्योंकि परमेश्वर का और परमेश्वर का हुक्म भी यही है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार आगे। ये पुलपट की वीडियो, जबकि आमीन के बाद जब लास्ट प्रार्थना हुई तो हमारे स्पिरिचुअल फादर जी वापस जा रहे हैं। हालेलुया। ये सबको गुड बाय करते हुए, गॉड ब्लेस यू कहते हुए हमारे स्पिरिचुअल फादर जी वापस गए और बहुत ही ज़्यादा आनंदित वाली बात है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीषित और बरकत कर दे, परमेश्वर में आनंदित रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएँ, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेते जाएं और परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हमारा फर्ज है परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना। क्योंकि बाइबल भी कहती है कि जाओ सब जगत में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करो, और ऐसे ही हमें भी सब लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।